जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। एक समय की बात है जब रावण भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। रावण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ पहुँचे। शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। उस समय रावण का ध्यान माता पार्वती पर चला गया। रावण ने इससे पहले माता पार्वती से अधिक सुंदर स्त्री नहीं देखी थी और सुंदर स्त्री रावण की कमजोरी थी। रावण माँ पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और वरदान स्वरूप माता पार्वती को मांग बैठा। अब भगवान शिव थे ही इतने भोले, अपने भक्त के वरदान को पूरा करने के लिए उन्होंने वरदान में माँ पार्वती को ही दान कर दिया। लेकिन वरदान देने के बाद भोलेनाथ बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। जब रावण माँ पार्वती को लेकर जाने लगा तब अचानक नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए और रावण को रोककर पूछने लगे, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? तब रावण ने कहा, भोलेनाथ ने मुझे इन्हें वरदान में दिया है। तब नारद मुनि ने रावण से कहा, ये माता पार्वती नहीं है, ये तो उनकी प्रतिछाया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि माता पार्वती को शिव ने पहले से ही पाताल में वही दानव के यहाँ छुपा रखा है। असली पार्वती चाहते हो तो उन्हें पाताल में जाकर ले आओ। नारद की बात सुनकर रावण माता पार्वती को पाताल में जाकर ढूंढने लगा। तभी उसे एक सुंदर स्त्री आती हुई दिखी। फिर क्या था, रावण वहीं रुक गया और उनसे पूछने लगा, आप कौन है सुंदरी? तब उस स्त्री ने अपना परिचय मंदोदरी के रूप में दिया और साथ ही अपने पिता का नाम मई दानव बताया। मंदोदरी की सुंदरता देखकर रावण माता पार्वती को भूल गया और उसे अपने साथ लेकर वापस लौट गया और मंदोदरी से विवाह कर लिया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।